ने कहा है कि कम्युनिस्टों ने देश को खत्म किया है, आराम से तकलीफ तो नाम लेकिन क्यों नहीं करते। सुनील द्विवेदी जी मौजूद हैं सर, जिस तरह से एक बड़ी जीत त्रिपुरा में हुई, उन सारी चीजों को देखते हुए क्या कहते हैं और अभी कर्नाटक का चुनाव आने वाला है? मैं तो यहाँ पर गैर राजनीतिक कार्यक्रम के लिए आया हूँ, लेकिन त्रिपुरा की जीत का असर पूरे देश पर बहुत पॉजिटिव हुआ है और वैसे भी हम कर्नाटक जीतने ही वाले थे, लेकिन त्रिपुरा के जीत के कारण बहुत ज़्यादा उत्साह भाजपा के कार्यकर्ताओं के अंदर आया है और कर्नाटक भी हम बहुत बहुमत के साथ जीतेंगे, मेरा विश्वास है। सर एक आखिरी सवाल है, सर जिस तरह से त्रिपुरा में कहा जाता था कि कम्युनिस्टों का एकदम साम्राज्य था, उसी तरह से कर्नाटक में यही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो जिस तरह से इन लोगों को लेकर एक आपाधापी की स्थिति होती है, तो इन सारी चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी किस तरह से निपटेगी? क्योंकि अभी आपने अपने वक्तव्य में भी ये बात कही कि जिस तरह से 54,000 हत्याएँ राजनीतिक की गई हैं इन सारी चीज़ों को देखते हुए। देखिए ये खूनी संघर्ष कम्युनिस्ट करते आए हैं, आज भी केरल में कर रहे हैं, बंगाल में ममता और कुछ नहीं कर रही, यही बातें चल रही है, अपीजमेंट के आधार पर राज्य को चला रही है, लेकिन देश की जनता जागरूक हो गई है, ये हिंसा और आतंकवाद से डरने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जो प्रखर देशभक्ति जो जागृत हुई है, जो सुप्त अवस्था में थी वो जो जागृत हुई है, ये जागृत देशभक्ति इस देश में सकारात्मक पॉजिटिव परिवर्तन करके रहेगी, ये मेरा विश्वास है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? बस देश के हित में सभी काम करें, देश को जोड़ने का काम करें, सभी प्रकार के भेदाभेद भूलकर सबका साथ सबका विकास करने में हम सब लोग जुड़ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करें। आप तो सुनील देवधर जी का सीधे तौर से कहना था कि हम कोशिश इसी बात की करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर एक अलग नाम रोशन करे और जिस तरह से वामपंथियों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है, उन सारी चीजों को धूमिल करते हुए भारतीय जनता पार्टी का परचम इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, भारत समाचार, लखनऊ।